जय हिंद दोस्तों। परीक्षाओं का नया सीज़न शुरू होने वाला है और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि आपके साथ रेगुलर बेसिस पर मैं बना रहूँगा और आगामी जो पेपर है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उनको कवर कराने का प्रयास करूँगा। पिछले कुछ समय से आयोग के द्वारा कराई गई परीक्षाओं में एक ट्रेंड देखा गया है। ट्रेंड ये है कि उत्तराखंड करंट अफेयर को लेकर प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। जब पिछली बार ये पेपर हुआ था अपर का प्री, तो करंट अफेयर को हमने बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं रखा था, क्योंकि करंट अफेयर उत्तराखंड रिलेटेड करंट अफेयर पूछने का जो सिस्टम था वो नहीं था। पर इस बार ट्रेंड दिखाता है करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी संख्या में पूछे जा रहे हैं और अपर पीसीएस में भी मेरा अनुमान है कि करंट अफेयर जो है वो उत्तराखंड में एक अच्छा खासा हिस्सा बनाएगा, जो उत्तराखंड का करंट अफेयर होगा। वैसे करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड के करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। तो आइए आज से शुरू करते हैं हम लोग अपना ये सेशन। पहली क्लास है और जानते हैं कि वो कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो न्यूज़ में रहीं, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। पहला काफ़ी चर्चा में रहा है इसरो का लैंडस्लाइड इंडेक्स। इसरो ने करीब करीब 17 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी जो हिमालय क्षेत्र में और वेस्टर्न घाट क्षेत्र में पड़ती हैं उन एरियाज़ को स्टडी करा और ये एक रिपोर्ट तैयार की कि कौन सा जो राज्य है, कौन सा जो जिला है वो कितना वल्नरेबल है लैंडस्लाइड के मैटर में, यानी कि लैंडस्लाइड से कितना प्रभावित है, कितनी बड़ी लैंडस्लाइड और कितनी फ्रीक्वेंसी में लैंडस्लाइड आ सकती है। इसमें ये करीब करीब 147 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी लिस्ट बनाई गई है। उन 147 डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जो है वो प्रथम स्थान पे है। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड जो है वो इसरो के लैंडस्लाइड इंडेक्स में मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में रखा गया है, या डिस्ट्रिक्ट है, कैटेगरी नहीं डिस्ट्रिक्ट ही है। पहले नंबर पे रुद्रप्रयाग है और दूसरे नंबर पे उत्तराखंड का ही, सोचिए 17 स्टेट्स उसमें से उत्तराखंड के ही 2 जो जिले हैं वो प्रथम और द्वितीय स्थान पर रखे गए हैं। ये जो रिपोर्ट है इसको लैंडस्लाइड एटलस का नाम दिया गया है। ये इसरो की तरफ से नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर जो हैदराबाद में बेस्ड है उसने तैयार किया है। ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये इसरो का ही अंग है, उसी का ही आर्म है। तो रुद्रप्रयाग और टिहरी इन 2 जगहों को काफ़ी वल्नरेबल माना गया है और काफ़ी रिस्क जो है इन एरियाज़ में है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ श्राइन भी स्थित है और वहाँ पर भी मैक्सिमम एक्सपोजर टू लैंडस्लाइड है। टिहरी में कई एरियाज़ में लैंडस्लाइड जोन है और तोता घाटी जो है जो काफ़ी प्रसिद्ध है अपने इस लैंडस्लाइड के लिए, रेगुलर फ्रीक्वेंट जो लैंडस्लाइड होती है वो तोता घाटी भी टिहरी में पड़ती है। इसके अलावा कुछ और डेटा भी इकट्ठा किया गया है लैंडस्लाइड को लेकर। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहता है कि 2018 से 2021 के बीच में उत्तराखंड में 253 लैंडस्लाइड्स हुई हैं। देखिए कितनी गंभीर स्थिति है और इसमें 127 लोगों की मृत्यु हुई मात्र ये 3 या 4 साल का समय है। तो ये बताता है किस तरीके से लगभग 60-70 लैंडस्लाइड्स जो हैं प्रतिवर्ष उत्तराखंड में हो रही हैं, सिर्फ उत्तराखंड में हो रही हैं, और 127 लोग जो हैं वो मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। और अगर देखा जाए लास्ट 2 डिकेड्स में, यानी कि 20 वर्षों में देखा जाए, तो करीब करीब 11,000 लैंडस्लाइड्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। और मैक्सिमम लैंडस्लाइड रिकॉर्ड की गई हैं जो रीजन्स हैं, एक तो है ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ वाला जो रूट है, तोताघाटी वगैरह इसी रूट में पड़ता है।
रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, केदारनाथ का जो रूट है वो काफ़ी वल्नरेबल है, फिर चमोली से ऊखीमठ का क्षेत्र वो वल्नरेबल है, और इधर आप ऋषिकेश से उत्तरकाशी यानी कि टिहरी होते हुए जाएंगे, गंगोत्री, गौमुख और पिथौरागढ़, खेला, मालपा, ये कुछ जोन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर मैक्सिमम लैंडस्लाइड्स होती है। 1, 2, 3, 4 और 5। उत्तराखंड के सभी जो जिले हैं उनकी जो रैंकिंग है वो इस प्रकार से रखी गई है। टोटल जो 147 डिस्ट्रिक्ट्स की जांच की गई है उसमें सबसे जो वल्नरेबल है रुद्रप्रयाग है, दूसरे नंबर पे टिहरी है, चमोली 19वें नंबर पे आता है। उत्तराखंड के सभी 13 जिले की रैंकिंग है ये। उत्तरकाशी 21वें नंबर पे, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जो हैं वो लीस्ट वल्नरेबल हैं, पूरी लिस्ट में ही लीस्ट वल्नरेबल हैं। ऊधम सिंह नगर आखिरी पायदान पे है, 147 पे है, हरिद्वार उससे एक ऊपर है, 146 पे है, और टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी जांच की गई थी वो 147 थे, राइट। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपको समझनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा एक योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स अपग्रेडेशन प्लेयर स्कीम। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, काफ़ी चर्चा में रही है। सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई गई है। ये योजना सभी 13 जिलों में लागू की गई है। प्रत्येक जिले से करीब 300 विद्यार्थियों को चुना जाएगा जिनकी आयु 8 से 14 वर्ष के बीच में होगी, 8 से 14 वर्ष के बीच में होगी। ये प्रत्येक जिले से 300 जो स्टूडेंट्स हैं वो चुने जाएंगे, इनमें से 150 लड़के और 150 लड़कियां होनी चाहिए, यानी कि पूरे राज्य से लगभग लगभग 3900 जो बालक बालिकाएं हैं 8 से 14 वर्ष की उम्र के, उनको इस योजना के तहत उनका जो चयन है वो किया जाएगा। और फिर मतलब चयन इस आधार पर होगा कि वो किस प्रकार के खिलाड़ी हैं और उनके अंदर किस प्रकार का जो टैलेंट है वो है, और फिर उनको प्रत्येक माह एक स्कॉलरशिप जाएगी, मंथली स्कॉलरशिप होगी, 1500 रुपये जो है वो उनको दिए जाएंगे। ये 1500 रुपये उनकी डाइट, उनके स्पोर्ट्स, क्लोथ्स, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। योजना 29 अगस्त 2022 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार के द्वारा उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लागू की गई है। अगला है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। ये हाल ही में चर्चा में रहा। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो उत्तराखंड में सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया जा रहा है, जैसे कि योजना पढ़ी आपने। इसके अलावा जब भी वो मेडल जीत के आते थे तो जो उनको पैसा धनराशि मिलती थी उसको भी डबल करने की घोषणा जो है वो सरकार के द्वारा की गई है। इसी तरीके से उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड जो हैं उनको रिवाइव किया गया है। ये जो खेल रत्न अवार्ड हैं ये काफ़ी पुराने हैं। 2013 में सबसे पहले जसपाल राणा को ये पुरस्कार दिया गया था, उत्तराखंड खेल रत्न का पुरस्कार। फिर कुछ साल तक ये दिया जाते रहा पर बीच में कुछ सालों से ये डिसकंटिन्यू हो गया था, तो इसलिए इसको दोबारा से रिवाइव किया गया है। 24 मार्च 2023 यानी कि अभी कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें खेल रत्न अवार्ड में। एक होता है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, दूसरा होता है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य, और तीसरा होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये एक साथ ही 3 वर्षों के लिए दे दिए गए, 2019-20 के लिए दिया गया, 2020-21 के लिए दिया गया, और 2021-22 के लिए भी दिया गया। तो किन किन को ये दिया गया? जो खेल रत्न है वो 19-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को दिया गया है, और 20-21 के लिए, 21-22 के लिए किसी को नहीं दिया गया ये अभी, चंदन सिंह को दिया गया है, एथलीट हैं चंदन सिंह। थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में भी पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे चंदन सिंह कहाँ पर मेडल जीत कर आए थे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन
थोड़ा घुमाकर भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया, उत्तराखंड का देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड। तो बैडमिंटन कोच हैं धीरेंद्र कुमार सेन, उनको 19-20 के लिए दिया गया। ताइक्वांडो कोच हैं कमलेश कुमार तिवारी, उनको 20-21 के लिए दिया गया। और आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के कोच हैं संदीप कुमार डुकलान, इनको 21-22 के लिए दिया गया, यानी कि 19-20, 20-21, 21-22 तीनों वर्षों के लिए इसकी घोषणा की गई है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में देखेंगे तो 21-20 के लिए ये अचीवमेंट जो है सुरेश चंद्र पांडे, इनको दिया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन है सुरेश चंद्र पांडे और कौन है चंदन सिंह, इनका जो योगदान है और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं। इसको रट के जाइएगा, इसको रट के जाइएगा। ये फाइल मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अब, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस में वहाँ पर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसके अलावा उत्तराखंड में लार्जेस्ट, एशिया की लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो स्थापित किया गया है। ये जो टेलीस्कोप है वो उत्तराखंड के देवस्थल ऑब्जर्वेटरी वहाँ पर स्थापित किया गया है। ये एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप माना जाता है। ये करीब करीब 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। भारत के साथ बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान इन देशों के सहयोग से इसको बनाया गया है। ये जो जगह है ना देवस्थल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर बहुत सारी जो ये जो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, यहाँ पर टेलीस्कोप्स स्थापित किए जा रहे हैं या फिर स्पेस स्टडी के लिए और जो यंत्र हैं उनकी स्थापना की जा रही है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है देवस्थल। देवस्थल कहाँ पड़ता है? देवस्थल जो है वो नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पड़ता है। इसकी ऊंचाई 2450 मीटर है। तो यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको मैनेज कौन करता है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरीज जो नैनीताल में स्थापित किया गया है वो इस ऑब्जर्वेटरी को मैनेज करने का कार्य करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हिमालय का पहला स्पाइस गार्डन जो है वो उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। ये पूरे हिमालय क्षेत्र का पहला स्पाइस गार्डन है, मसालों से संबंधित गार्डन जो है वो है। ये कहाँ स्थापित हुआ है? ये रानीखेत में स्थापित हुआ है। रानीखेत के तारीखेत ब्लॉक में सोनी एक जगह है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण जो हिमालयन स्पीशीज़ हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, उनको उगाया जाएगा, जिसमें से कश्मीर का केसर हो गया, तेज पत्ता हो गया, तिमूर हो गया, वाइल्ड हींग हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर लगाई जाएंगी। ये जो गार्डन है वो किसके सहयोग से बन रहा है? जापानीज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसके सहयोग से बन रहा है और लगभग लगभग 2 साल तक जीका जो है यानी कि जापानीज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी वो सहयोग प्राप्त करेगी इस स्पाइस गार्डन के लिए, फंडिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आज की क्लास में थी। धीरे धीरे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे न्यूज़ कवर की जाएगी। देखिए न्यूज़ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो वर्क इम्पॉर्टेंट है। इस पर्पज़ से न्यूज़ नहीं शेयर की जा रही है कि लोगों को पसंद आए इत्यादि इत्यादि, एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएँ। तो इसमें प्रत्येक जो चीज़ आपने देखा ही है, पिछली बार भी जो आपके साथ चीज़ें शेयर की गई थी यूट्यूब में, वो सारे क्वेश्चंस जो थे वो एग्ज़ाम्स में आए थे। इस बार मेंस में आपने देखा कि कितना उत्तराखंड की जो पॉलिसीज़ है उन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया था, उत्तराखंड टूरिज्म पॉलिसी के बारे में, MSME इत्यादि इत्यादि, और वो सारी ही पॉलिसीज़ मैंने आपको, अगर आप देखेंगे स्क्रोल करेंगे तो यूट्यूब में सारी पॉलिसीज़ उत्तराखंड की मैंने आपको पढ़ा रखी थी। तो कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर वो जो एक क्लास थी आपकी, एक या दो क्लास थी, उसमें आपने सारी पॉलिसीज़ कवर की थी, वो काफ़ी काम आई। तो उसी तरीके से आप इस बार भी इस चीज़ को फॉलो करिएगा। जो करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ आप ये मान के चलिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके नोट्स बना लीजिए और अगर ऐड ऑन करना है तो उसके आसपास ऐड ऑन कर लीजिए, जैसे कि उससे जुड़ी हुई कुछ और जो चीज़ें हैं वो अपने नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो हिंदी है वो आपको भी भेजूँ, मतलब ये जो फाइल है ये इंग्लिश में तो भेजूँगा ही,
हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन आपको भेजने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।